बेगमाती जबान में शरीफ खानदानों में क्या इंट्रीग्स चल रही हैं उसके बारे में लिख सकती हैं. शी कैन मेक अ लार्जर पॉइंट अबाउट सोसाइटी, अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, बट हर स्टोरीज आर बेस्ड इन दोज माहौल. उन माहौल से निकाल के वो नहीं लिख सकती नई किस्म की कहानियाँ. मंटो ने भी यही कहा कि भाई मैं आपके कहने पर आपकी समझ की कहानियाँ नहीं लिख सकती. नवाज साहब आपने एरोगेंस का शुरू में जिक्र किया था, मेरे ख्याल से एरोगेंस तो है ही मंटो में, जो कि किसी भी आर्टिस्ट में होनी चाहिए या होती है जिसको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा होता है. मंटो का मसला ये है कि एरोगेंस के साथ जुड़ जाती है उनकी एक्सट्रीम इंडिविजुअलिटी, यानी वो एक टीम प्लेयर नहीं है. और उस वक्त का जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है वो आपसे कोहेशन चाहता है, वो चाहता है कि आप वही करें जो हम सब लोग कर रहे हैं. मंटो वो ही अनेबल, आई थिंक वो शायद by temperament वो है नहीं इस किस्म की कि उसे कहा जाए कि तो इस मौजू पे लिखो. उस वक्त का जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर है उसमें एक टॉपिकलिटी है, उसको मौजू को अदब है, वो ऐसा अदब है जो नेवल अपराइजिंग होती है ऑफ द कोस्ट ऑफ बॉम्बे, खटाक से कहानियां लिख दी जाती है उसमें. मंटो उस किस्म का राइटर नहीं है. मंटो सिर्फ उन चीज़ों पे लिखेगा जो उसको समझ में आती है, उससे वो एक पॉइंट जरूर बड़ा बनाएगा, लेकिन ही कैनॉट डू कमांड परफॉर्मेंस. तो मसला सारा ये है कि मंटो की इंडिविजुअलिटी, मंटो की आप उसको एरोगेंस कहना चाहिए, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और एक स्टेज आता है जो मंटो मार्जिनलाइज होने लगता है. वही प्रोग्रेसिव जो कल तक कह रहे थे कि मंटो इज अ पोस्टर बॉय फॉर प्रोग्रेसिविज्म, अब वो मंटो से को अलग करने लगे, हाशिए पे रख रहे हैं मंटो. और इससे मंटो जो कि ना टीम प्लेयर हैं लेकिन चाहते भी हैं कि उनको बुलाया जाए, उनकी मदद हो, वो भी नहीं हो रही है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बैग ऑफ इमोशंस हियर. देयर इज नो वन रीजन. आई थिंक द प्रोग्रेसिव्स एंड द मंटो हैव अ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द 40s ऑन. तो ये डिस्टेंस बढ़ता ही जाता है, फिर वो पाकिस्तान चले जाते हैं, वो एक और खाई बन जाती है. तो हालात बेहतर कभी नहीं. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन इन द फिल्म व्हिच इज मंटो राजेंद्र सिंह बेदी, इसमें चुपते शाहिद लतीफ and Kishan Chandra at one table in an Irani cafe. So that's what they didn't meet in the early days. By the way, 40s they are meeting. और ये याद रखिए कि ये बॉम्बे जो है इट्स लाइक अ ब्लूम्सबरी इन बॉम्बे किस्म का माहौल है. यहाँ पे लोग पिकनिकों पे जाते हैं, हैंगिंग गार्डन में पिकनिक का बहुत अच्छी तस्वीर है, लोग सेमिनार में भी जा रहे हैं तो सब बीवी बच्चे समेत जा रहे हैं. इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली, इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड पिकनिक. मंटो इन अर्ली डेज इज पार्ट ऑफ इट, बट देन द डिस्टेंस. अगर आप गिरफ्तारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि जमाना की नाकाबिले बर्दाश्त है. ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराता है, कुछ ऐसे भी हैं जो इसे मुगलिया हुकूमत के मल में टटोलने की कोशिश कर रहे हैं. सब पीछे देख रहे हैं लेकिन नाच के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं. ये मजमून सुनाते सुनाते मैं आप सबसे मार खा लूंगा, उस तक नहीं करूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी. मैं आर्टिस्ट हूँ, वो छे जख्म और भद्दे खा मुझे पसंद नहीं. Thank you.
welcome back. And there is a gentleman in the turban behind. So can someone take a second man? I can go all the way behind. Someone from this side, maybe. Maybe y'all are raising because I look there only, okay? Okay, here. Yeah. So we just take these three questions for now. We take them together. And then still, maybe we take some more. Okay? Wait, who was first? आपने अपने एक्टिंग प्रोसेस में बात की है कि जब आप कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं तो कैरेक्टर भी आपसे कुछ लेके जाता है मूवी के बाद में. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ मंटो, मंटो ने आपसे क्या लेके गए हैं? मंटो कुछ आपको देते भी है, आपसे कुछ लेते भी है, तो हमने आपसे क्या लिया? ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें वो मंटो ने एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच लिखा है
मेहरे दरफशान जहमते मेहरे दरफशान वो एक ऑटोबायोग्राफिकल सा स्केच है अर्ली डेज का, यानी जब वो शुरू में लाहौर जाते हैं तो उनकी क्या कैफियत है, उसमें कुछ वो इशारा करते हैं। लेकिन मंटो में मंटो का बहुत क्लियर आंसर नहीं है, अब ये आप पे है, ये इनमें से जो मैंने चीजें बताई इनमें से कोई एक हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, हम कह नहीं सकते। लेकिन मंटो जैसे बहुत से लोग जो 48 में जा रहे थे उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये एक वन वे टिकट है, लोग समझते थे कि आते जाते रहेंगे। I don't have the question to anyone in particular. I mean, I'm expecting an answer from Rakshada or Nawaz. But so in the initial teaser that came out, where Manto is addressing a class and he writes, he makes a line on the blackboard with a chalk. And when he leaves the room, he says कि मैं अपने ज़मीर से आँखें कैसे मूंद दूँ, I'm not there. And also, I've read one of the works of Manto where he's writing Manto on Manto. So there is a very dual personality where he addresses himself as, which is also reflected in the movie. But how did the character or as a reader of Manto, how have we understood this is my question. चौक से मैं अगर अपनी आंखें बंद कर लूँ तो अपने ज़मीर का क्या करूँ, वही ना। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही मोमेंटम कुछ वो होता है ना कि कॉन्ट्रोडिक्शन, ऑफकोर्स हर इंसान कॉन्ट्रोडिक्शन, वो भी कॉन्ट्रोडिक्टी थे मोमेंट पे क्या आपको आ रहा है दिमाग में आप वो बोल देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी एक फिलोसफी या किसी चीज़ को लेके पूरी ज़िंदगी चले। मैं कई बार हम लोग कोशिश भी करते हैं कि मैं ये मेरा ये थॉट है, इसी थॉट को पता चला दो दिन के बाद मेरा एक्सपीरियंस ही कुछ चेंज हो गया, बदल गया मैं और मैं कुछ और ही थॉट हो गया, तो मे भी शायद वो मोमेंट के अकॉर्डिंग फ्लूइड रहना अलाउड, सीखना अलाउड है फ्लूइड रहना अलाउड इन आवर थॉट्स प्रोसेस। मैं आफ्टर दिस आई थिंक मंटो का एक बहुत पसंदीदा लफ्ज था फ्रॉड, वो हर एक को फ्रॉड कहते थे, अपने आप को भी फ्रॉड कहते थे, तो उनमें मेरे ख्याल से सिनिसिज्म बहुत था और वो सिनिसिज्म ऐसी चीज थी जिससे वो मतलब रोजी टिंटेड व्यू नहीं था उनका दुनिया का, उन्हें अच्छे लोग भी दिखते थे लेकिन बाय एंड लार्ज उनको इस बात में था। उन्होंने बल्कि कहीं कहा है कि मैं काले बोर्ड पे काले पेन से नहीं लिखता, मैं काले बोर्ड पे सफेद चौक से इसलिए लिखता हूँ कि उस काले बोर्ड की कालिक शार्पली नजर आए। तो मेरे ख्याल से उन्हें काले बोर्ड की कालिक में बहुत दिलचस्पी थी। which is personal, so I'll put on a model.
एनएसटी का फंक्शन हुआ था एफसीसी रोड पे जहाँ नाना पाटिकल स्पोक एंड देन यू नो उसके बाद भी आप आए थे नाना पाटिकल जब रोड पर आए यू नो बॉम्बास्टिक उसके बाद में आप आए एंड यू आर वेरी सब्ड्यूड हॉलीवुड में बात करते हैं बट व्हेन यू सी योर मूवीज यू नो यू आर एन एब्सोल्युटली डायनामिक एक्टर तो व्हाट आई एम सेइंग ना ये जो बॉलीवुड का जो पर्सनालिटी होता है वो आप यहाँ नहीं लेके आते हैं आप अपना चमत्कार स्क्रीन पे दिखाते हैं सो आई वांट टू टॉक अ बिट अबाउट दैट दैट यू हैव नॉट अलाउड बॉलीवुड का माहौल टू अफेक्ट यू यू वर्क विद इनक्रेडिबल एक्टर्स अनुराग कश्यप एंड बॉक्स वाज एन अमेजिंग फिल्म सो हाउ डू यू मैनेज टू मेंटेन लाइक यू नो किचन में लोटस है I'm one thing more, sir. Are you still connected to theater or you just moved to cinema?
कि आप थिएटर से अभी भी कनेक्टेड हैं और यू हैव मूव्ड टू सिनेमा? थिएटर में मैं 20 साल पहले किया था लास्ट प्ले मैंने, अब मैं अभी उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है क्योंकि उनको इतना टाइम काम नहीं पाता। Just two more questions, but remember, so sweet, we take one from here and then I'll just come back with it. But now remember, after the questions get over, this is very, very important. Everyone don't stand up. We have one door here and one door here. So be calm, elegant, beautiful, cool. Everyone be seated in your seats. We have enough snacks for everybody. So we're going to lovingly, elegantly, slowly go out from this door. All those who are behind, slowly go out from that door. Everyone doesn't have to come here. We have three doors. I'm just saying this because when we end, I don't want anyone to rush. Because you all have to not fall down, you have to be proper. Because you all have to go and see Manto on 21st. No? If we fall down and we hurt ourselves, we won't be able to go to the cinema to see it, okay? You got it? So when this gets over, we're all going to quietly, lovingly stay in our seats, slowly, slowly move on. Okay? Okay. 1 year, and then I'm going to come there for. Manto, you said that to do the role of Manto, you have to be honest with yourself. So can you tell us honestly which role you regretted doing in your career? Any regret to koi se mai kyun regret hua hai kyunki apne watches mai soch samajh ke karta hu ki wo kar raha hu regret to kisi bhi ko ke liye nahi ho sakta hai chahe acha ho ya bura ho kaisa bhi reaction aaye but तो खुश होते हैं वो एक छोटा सा भी किया उससे भी thank you all for being
such an incredible panel. All the best for Monday. आज के इवेंट के बारे में बहुत अच्छा मंटो के ऊपर इवेंट इवेंट था और ये गोदरेज कल्चर लैब ने करवाया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. जो जो लीड कर रहे थे दो जो उनका उनका बहुत अच्छी नॉलेज है उनको मंटो के बारे में और मंटो के बारे में उन्होंने वो चीज़ें भी बताएं जो हम लोगों को इतना नहीं मालूम था. बट अच्छा है कि मंटो का डिस्कशन हो रहा है हर तरफ विच इज़ गुड क्योंकि मंटो चीज़ ही ऐसे थे. बहुत अच्छा लगा. जब भी हम जाते हैं कोई इवेंट करने और इतने सारे लोग आते हैं, नवाज़ के लिए तो डेफिनेटली आते हैं लेकिन मंटो के लिए भी लोग आते हैं, तो उससे बहुत खुशी होती है देख के कि इतने सारे लोग मंटो में अभी भी इंटरेस्टेड हैं. और नंदिता एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करती है, कहती है मंटोयत, तो लग रहा है कि मंटोयत है हवा में तो उससे खुशी होती है. सो नवाज़ सर, जब आपके पास ऑफर आया मंटो का, नहीं नहीं, सबसे पहले तो खुशी होती है क्योंकि आपने इतने सालों पहले मंटो को पढ़ा था, उनकी स्टोरीज पढ़ी थी, खुशी होती है. उसके बाद तो नर्वसनेस, ये वो सब बात की चीज़ें जब करना शुरू किया था तब आती हैं सारी बाकी चीज़ें. तो बट खुशी हुई थी कि थैंक गॉड नंदिता ने मंटो के बारे में सोचा अपनी सेकेंड फिल्म, और उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है. मैं सच बताऊँ, मैंने स्टडी कम किया है. नंदिता ने 5-6 साल स्टडी किया है मंटो के बारे में, इतना रिसर्च वर्क किया कि हम दोनों को इतना फ़ायदा हुआ उससे. जैसे सफ़िया के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया लेकिन नंदिता ने सफ़िया को के बारे में, उनके जैसे घर पे गई, वो उनकी बेटियों से मिली तो उनके बारे में तब उनको मालूम हुआ सफ़िया किस तरह की थी, कैसी थी. तो उनसे इनको बहुत फ़ायदा, रसिका को बहुत फ़ायदा हुआ एज एन एक्टर. तो अच्छी बात, रिसर्च वर्क काम आती है ना. नंदिता ने इतना रिसर्च कर रखा था कि हम भी चाहते थे कि हम रिसर्च करें लेकिन कोई जगह ही नहीं थी अपने रिसर्च के लिए कि उसने सब कर रखा था. सो इट वाज वेरी नहीं, मुझे कभी भी किसी अच्छे एक्टर के साथ काम करने में प्रेशर नहीं लगता है, बुरे एक्टर के साथ काम करने में प्रेशर लगता है क्योंकि अगर आपका को एक्टर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो आप किसी सीन में कुछ नहीं कर सकते. और हर अच्छे एक्टर को ये पता होता है कि अपने को एक्टर को सपोर्ट करते हैं. तो इनफैक्ट जब बुरे एक्टर होते हैं जो अपने में ही घुसे हुए होते हैं उनसे मुझे डर लगता है. सर, हर बार आप एक अलग जोन में नजर आते हैं, अगर बात की जाए सेक्रेट गेम्स की या कुछ भी, हमेशा एक बार हर एक बार नया कुछ आपने क्या. मेरे ख्याल से वो सिमिलर नहीं लगते, बट नवाज़ की वर्सेटैलिटी की वो दोनों में, दोनों लुक्स को उन्होंने अपना लिया. बिल्कुल, वो तो साउथ ईस्ट वाला है दोनों कैरेक्टर जो है. सर, आप आपको भी जानते हैं ना. तो नहीं, अच्छा लगता है डेफिनेटली. आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्या चूज़ करते हैं, है ना. क्योंकि मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल डाइवर्सिटी वाले, बिल्कुल इस तरह के रोल करूँ, किसी भी एक्टर को अच्छा लगता है. ये कुछ स्पेशल होता है क्योंकि अक्सर बॉलीवुड में देखा गया है कि एक एक्टर जो लीड होता है थोड़ा अलग हंग टाइप का एक्टर होता है. जिस तरह आप एक लीड में आते हैं हमेशा और एक पसंद कर लोग पसंद करते हैं, ऑडियंस पसंद करती है, तो कुछ खुशी भी होती है क्या, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं उसके बारे में जरा हमें कुछ बताएं. ये खुशी है, ये वो मुझे मज़ा आता है जो प्रोसेस होती है उसमें. एक्चुअली जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे उस दौरान हम लोग अपने जब कैरेक्टर में होते थे, एक दूसरे से बात करते थे और कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं सीन में, नहीं मिल रहा है, कभी मिल जाता है कुछ, तो वो जो एक्टर को एक्ट्रेस के बीच में कशमकश चल रही होती सीन को बेटर करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है मुझे एक्टिंग में. बाकी क्या, बाकी तो सारी हमारा काम नहीं, हम एक्टर्स का काम एक्चुअली उतना ही होता है. सो आपने कहा 1 रुपये लिए थे आपने, उसके पीछे क्या दास्तान. मैंने 1 रुपया लिया था जो अभी तक उन्होंने नंदिता ने दिया नहीं, बट मैं लूँगा भी नहीं ताकि ये बोल सकूँ पूरी उम्र के ये मेरी कर्जदार है. और सबसे ज़्यादा जो पैसे इन्होंने चार्ज किए देख लीजिए इनको, हाईएस्ट पेड एक्टर है हमारी फिल्म की. सब में जो भी चीज़ करता हूँ ऑफकोर्स इन्जॉय करता हूँ उसमें, ये तो नहीं है कि मैं बिना इन्जॉय किए थोड़े नहीं कर सकता हूँ कोई भी काम.
मंटो भी टोरंटो का ही है, आज ही यहाँ सिडनी जा चुकी है, बुसान जाएगी, कान फिल्म फेस्टिवल में तो सबको पता ही है, बाकी हर जगह जहाँ भी जा रही है बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है फिल्म को, और वी आर सो हैप्पी, एंड नंदिता भी आ जाएंगी पूरा टोरंटो अटेंड करके, तो उनसे सारी स्टोरी पूछेंगे। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं झेला, झेला होता तो यहाँ थोड़ा ना होता आज। अब तो सक्सेस स्टोरी से बात कर रहे हैं। नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं है यहाँ पे। कुछ ही दिन है फिल्म के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 21 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मंटो ऐसी फिल्म है जो आपके जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, और आपको एंटरटेन भी करेगी, एट द सेम टाइम आप बहुत सारी चीज़ें लेके भी जाएंगे। ये ऐसी फिल्म नहीं है कि जो आप देख के तो आए और बाहर आते ही भूल गए, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली फिल्म है। मेरे ख्याल से अगर यंगर लोग इस फिल्म को देखें और मंटो से वाकिफ़ हो, मंटो के काम से वाकिफ़ हो, और अपने अंदर वो मंटोयत जगा कर उसको आज के ज़माने में यूज़ करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मंटो की हर चीज़ शॉकिंग ही थी एक्चुअली, जो भी वो करते थे। बट आई थिंक फॉर मी द रेवलेशन अबाउट मंटो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म एंड व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म वाज आई हैड ऑलवेज नोन मंटो द राइटर बट नेवर मंटो द पर्सन एंड आई थिंक नंदिता स्क्रिप्ट हैज वेरी ब्यूटिफुली ब्रॉट दैट इन विद हिज फैमिली लाइफ एंड टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ एंड डॉटर्स एंड the entire family went through what that marriage went through with all that with the partition of the country and the cases against him. Nawaz, aapke liye kya shocking? Mujhe do cheeze badi shocking ki Manto ki. Ek to ye tha ki wo itna ek bahut hi creative writer the, at the same time family man bhi the. Ye kaise ho sakta hai? दूसरा ये था कि वो भीड़ में भी लिख, जैसे अभी कहीं बाजार में बैठे उसके बाद भी वो लिखते लिख कहानी लिख लेते थे, तो ये एक मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलोन स्पेस चाहिए, थोड़ा फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए कैरेक्टर पे, थोड़ा मैं अलग रहना चाहता हूँ, ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि उतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी और कहीं भी बैठ के लिख लेते थे। ये दो चीज़ें मेरे लिए शॉकिंग थी। एक क्रिएटिव पर्सन जो हमेशा मतलब सिर्फ क्रिएटिविटी बात करता है, और इतना अच्छा फैमिली, वो अच्छी वाइफ को भी बहुत अच्छे से प्यार कर सकता है, बच्चों को भी संभाल सकता है, पूरे परिवार को मतलब बहुत अच्छे से रख सकता है, कैसे हो सकता है मैं ये जानना चाहता हूँ। बीवी के कपड़े आयन करते थे, मैंने जब कार गए थे तो मैंने नवाज को बोला आप भी मेरी साड़ी आयन कर दीजिए, बट हम आने नहीं। ओके, यू नो आजकल द प्रोग्रेसिव्स, यू हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर, but do you think they would also have been leaning in today's time, the Tukre Tukre gang and the Azadi gang, and you know, keeping the India's diversity as another platform, keeping that in mind, do you think there are limits to this freedom of speech that we are, and how is it different from Manto's time in today's time, this freedom of speech, because he talked in the context of partition, today's time is different, yeah. बहुत सी चीज़ें पूछनी है, अब देखते हैं मैं कितना याद रख पाती हूँ। थोड़ा सा मुख्तसर बताना चाहूँगी कि जिसका इन्होंने शुरू में जिक्र किया, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, ये एक बहुत पावरफुल लिटरेरी ग्रुपिंग थी। हम बॉम्बे प्रोग्रेसिव्स को तो जानते हैं, जो एक पैरेलल मूवमेंट था आर्ट में, लेकिन यही आपका शहर बॉम्बे एक हब था, एक सेंटर था, एक मरकज था बहुत बड़े लिटरेरी मूवमेंट का, जिसका नाम प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट कहा जाता है, और 40s से एक हाई नोन होता है इस मूवमेंट का। उस वक्त का बड़ा से बड़ा उर्दू हिंदी का लिखने वाला आपके शहर बॉम्बे में आता है, फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से काम करता है, स्पॉट बॉय से लेके लिरिक्स लिखने से लेके स्क्रिप्ट लिखने से लेके अलग अलग तरह के काम करता है। आपका जो सवाल था है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट को आज क्या कहा जाए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए सिर्फ एक लफ्ज हो सकता है, वह गद्दार। आजकल हम इतनी आसानी से लफ्ज फेंक रहे हैं,
पब्लिक डिस्कोर्स में लव्स ऐसे उछाले जाते हैं जैसे गेंदे, गद्दार, एंटी टेररिस्ट, एंटी नेशनल, एंटी ये, एंटी वो, ये सब चीजें कोई भी शख्स जो भीड़ से खड़ा अलग होके आपको आपकी निशानदेही करता है किसी तरफ, वो फौरन गद्दार हो जाता है। और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट ने तो अपने लिए एजेंडा ही ये रखा था कि एक और सोच को की तरफ हम लोगों का ध्यान दें। तो इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं मालूम देती कि जरूर अगर प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, जो कि खत्म नहीं हुआ है ये भी कहना जरूरी है, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट इज नॉट डाइड, इट इज नॉट डिसअपीयर्ड, इट इज जस्ट श्रंक इन स्पेस। ऑफ कोर्स देयर आर प्रोग्रेसिव राइटर्स, देयर विल ऑलवेज बी। इसमें चौकाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब तक बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी प्रोग्रेसिविज्म जिंदा रहेगा। तो आप बताइए क्या बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाना खत्म कर दिया? नहीं, वो ना ही करेगी। तो प्रोग्रेसिविज्म किसी ना किसी शक्ल में हमेशा ही जिंदा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि उसका दायरा इन हालात में आज के हिंदुस्तान में कम से कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि तीसरा सवाल शहनाज़ आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुताल्लिक था। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक बड़ी अजीब जीव जंतु है, जिन लोगों के पास फिल्टर्स होने चाहिए उनके पास फिल्टर्स नहीं है। यानी फॉर लव वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू बी वेरी सेट ऑफ पॉलिटिकली करेक्ट। द आर्टिकल 377 वाज स्ट्रक डाउन वेरी रिसेंटली, बट रिसेंटली वी हैव टू बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट एंड वेरी अबाउट व्हाट वी आर सेइंग। सो व्हेन इट कम्स टू लव, टू गुडनेस, टू लिबरलिज्म, to secularism, we want to be very politically correct, very wary. But when it comes to the nonsense in this world, when it comes to communalism, when it comes to hatred, when it comes to toxic things, when it comes to bigotry, we don't have a filter. There we say we have the freedom of speech to say what we want. So it worries me, this binary that I see. Are we confusing freedom of speech with freedom for hatred? I think we are confusing freedom of speech with freedom to give offense. Writers may jahan nahi hona chahiye ye political correctness. Khas taur se mera kaam chuki Urdu aur Hindi ke writers mein hai, main jab Manto ki generation ke writers ko aaj ki generation ke writers se compare karti hu, Urdu aur Hindi ki main baat kar rahi hu isko, to mujhe ek bahut correctness nazar aati hai, bahut mohtaat hona nazar aata hai. Mujhe aisa lagta hai jaise wo बात तो करना चाहते हैं जिसको आपने शुरू में नाज़िया कहा, द एलिफेंट इन द रूम, लेकिन अल्यूजन के जरिए, मिथ के जरिए, सिंबल के जरिए, इमेज के जरिए इशारा करेंगे कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन मंटो ने या मंटो की पूरी जनरेशन ने, कृष्ण चंद्रा ने, बेदी ने, इसमें चुगताई ने, भीष्म साहनी ने, भीष्म साहनी की तमस पढ़िए, क्या आज लिख सकता है कोई तमस? हम तो इतना डर गए हैं कि हम हिंदू मुसलमान लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करते, हम कहते हैं अदर कम्युनिटी, right? It started with the media saying alleged, it started with the media saying the other community, but increasingly even our writers are being very careful, and that to my mind is worrying. Jinko careful nahi hona chahiye wo mujhe lagta hai careful ho rahe hain, jinko bahut zarurat hai careful hone ki wo baghair filter ki baat kar rahe hain. Trolls jo hai fake social media pe jo hai, kisi ka koi filter nahi hai, kisi ko koi bhi kuch bhi keh sakta hai. To jahan zarurat hai उन कर्व्स की, वहां हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। नवाज, सैक्रेड गेम्स नॉर्मल टेलीविजन पे कभी आ नहीं पाता फॉर ऑब्वियस सेंसरशिप रीजंस, लेकिन आज के जमाने में इतना एक्सेसिबल हो गया है बिकॉज टेक्नोलॉजी ने एक्सेसिबल कर दिया कि चीजें जो नॉर्मली सेंसर हो जाएंगी, आपको लगता है इससे चेंज हो रही है सिनेमा, इससे चेंज हो रही है सिनेमा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह के शोज से, इस तरह की टेक्नोलॉजी से? आपको ऑडियंस मिलेगी तो कितना, क्योंकि आपके आपके लाइफ में आपने कितना डिफरेंस देखा है? वही जैसे आपने बताया कि अगर सेंसर होता तो ये शायद शो कभी बन ना पाता। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पाबंदी आ जाती है तो क्रिएटिविटी भी बहुत पाबंदी बहुत फर्क पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब सीन करते हैं तो सीन करते वक्त क्या होता है कि हम लोग अभी अवेयर होने लगे कि जबान से कुछ ऐसा सीखना हो जाए कुछ,
इम्प्रोवाइजेशन जब करते हैं हम लोग तो थोड़ा ध्यान, अब वो इम्प्रोवाइजेशन हो ही नहीं सकता जहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जाए, वो तो कैलकुलेशन हो गई एक्टिंग में, यू नो। तो उस जहाँ आपने सोचना शुरू कर दिया है कि यार ये चीज़ों से थोड़ा बचना है, ये थोड़ा सेंसर हो जाएगा, ये थोड़ा अगर लोग क्या कहें, कम्युनिटी क्या कहेगी, वो लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचने लगे तो फिर वो बहुत ही मतलब अजीब सा हो जाता है। मुझे याद है जब हम लोग कई साल पहले जब दिल्ली में थे, जब थिएटर करते थे, तो वहाँ पे हम एक्सट्रीम तक जाते थे किसी भी सीन के, अब वो चीज़ बहुत ही अभी इम्पॉसिबल है। थैंक्स टू मतलब इस शो के जरिए, इस शो सिर्फ ये नहीं कि हम उसमें सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं या व्हाटएवर जो भी इस तरह की चीज, बट एज एन एक्टर मुझे एक कैरेक्टर के डीप में जाने का मौका मिला। तो अनुराग ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल कर रखी थी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू नो। और जो लैंग्वेज हमने यूज़ की वो नुएंसेस हैं कैरेक्टर को कैरेक्टर की मेंटालिटी को इन्हेंस करते हैं हम। तो ये था क्या अगर मंटो वेब सीरीज होती क्या वो डिफरेंट होती अगर सेंसर बोर्ड के थ्रू उसको नहीं जाना? बिल्कुल क्या डिफरेंस होता? बहुत डिफरेंस होता। आई थिंक उस केस में हम लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं, मंटो की लाइक मंटो की जो राइटिंग थी उस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि बहुत ही बेबाक थी, बहुत ही रियल थी, बहुत ही रियल राइटिंग है उनकी, तो उसी तरीके से सोचते भी हम लोग मंटो के माइंड को सोचते हैं। लेकिन अलावा साहब ये भी याद रखिएगा कि मंटो ने 7 कलेक्शंस लिखे थे रेडियो प्लेस के, जब वो ऑल इंडिया रेडियो में लिखते थे तो जो वो रेडियो के लिए लिखते थे वो बिल्कुल दूसरे किस्म की चीज थी, उसमें सौगंधी जैसे कैरेक्टर्स फिर नहीं थे। इस तरह से कि जो रेडियो था उस वक्त एक बहुत बड़ा मीडियम था, और मंटो ने जो पहली और आखिरी दफ़ा मुलाजमत की यानी फुल टाइम जॉब डे जॉब जिसको कहते हैं वो ऑल इंडिया रेडियो में की दिल्ली में रह के, और रेडियो के लिए जब वो प्लेस लिखते थे तो वो उनकी कहानियों से बिल्कुल अलग थे। तो मेरे ख्याल से मीडियम की भी कुछ शायद मीडियम आपको जैसे फॉर एग्जांपल खोल दो है या मतलब जो भी इस तरह की स्टोरीज हैं, आई थिंक बिकॉज हम अब चूंकि खोल भी हमारी फिल्म की स्टोरी है ना, और ठंडा गोश्त को अगर हम आज के उसमें जो उनकी स्टोरी को अगर आज हम पिक्चराइज करें तो मे भी शायद हम वहाँ उस डीप में नहीं जा सकते। और मंटो ठंडा गोश्त सिर्फ प्रिंट में लिख सकते थे, मंटो सौगंधी जैसा कैरेक्टर या खुद जैसी या काली शलवार की जो सुल्ताना है ऐसे कैरेक्टर शायद रेडियो के लिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक मीडियम का है। वी जस्ट टॉक अबाउट कि हाउ डिजिटल हैज मेड ट्रोल्स मोर एक्सेसिबल टू यू एज अ पब्लिक फिगर, you find yourself say and you are on Instagram, you're on Twitter, do you find yourself censoring yourself a lot? No, I'm not famous enough for that. So honestly I've been asking so much about what I like. Aap kitna zyada censor karte hain apne aap ko jab aap social media pe hote hain? Mujhe kaam to bahut karte hain main to apna thought likh hi nahi sakta hu। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे जितना भी प्रमोशन का होता सारा होता है कि पिक्चर आ गई उस टाइम पे रिलीज है, अपना तो थॉट में लिख ही नहीं सकता। अपना थॉट तो मैं सिर्फ अपने रूम में और मेरा ऑफिस में रूम है उसमें अपने दोस्तों दोस्त के साथ तब शेयर कर सकता हूँ बस। सोसाइटी कहते हैं ना वो मीन मेयर बहुत ज्यादा हो गई आजकल, पता नहीं आई डोंट नो क्या होगा, आज से कुछ साल पहले तो नहीं था बट अब ज्यादा कुछ हो गया जरा सा कुछ लाइक मे बी शायद ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। Why is he termed as a hero of free speech?
देखिए हम कुछ हीरोज को याद रखते हैं, बाकी हीरोज को भूल जाते हैं. मंटो एक पूरी एक कबीले का एक हिस्सा था, एक जनरेशन का एक हिस्सा थी, जहाँ उस तरह से बोलना, बेबाकी से बोलना वॉज ऑल राइट. मेरा से वो राइटर्स इतने पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थे. जिस तरह से मंटो बात कर रहे हैं, जिस लहजे में बात कर रहे हैं, उसी तरह से इस्मत भी बात कर रही है, उसी तरह से बेदी भी बात कर रहे हैं, उसी तरह से कृष्णचंद्र भी बात कर रहे हैं. शायद वो वक्त ऐसा था, वो वक्त कह सकते थे. क्यों कह सकते थे इस पर जरा सोचिए. एनिमी वॉज आउटसाइड, द एनिमी वॉज नॉट विद इन. हम सब ठीक हैं, अंग्रेज आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया, दुश्मन ये हैं, और हम इसीलिए कोई कोई झिझक नहीं थी मुसलमान या हिंदू लफ्ज कहने में. मंटो के हमाम में सब नंगे थे, और वो इसलिए थे कि मंटो का ये कहना था ये हालात किसी और ने बनाए हैं. आज हमारे पास वो फिग लीफ नहीं है, हम नहीं कह सकते कि असल में हम तो सब बहुत ठीक लोग हैं, किसी और ने आके गड़बड़ी. ये मसला है सर. तो इन 70 सालों में इट्स बोथ ट्रैजिक एंड इट्स बोथ शॉकिंग कि आपका हैशटैग है मंटो नाउ. ऑफ कोर्स अ गुड राइटर शुड रिमेन रेलेवेंट फॉर सेंचुरीज. हम आज भी होमर और इलियड पढ़ते हैं, ओडिसी पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें एक एक, एक सच्चाई है जो अजल से चली आ रही है और चलती रहेगी. लेकिन इस हैशटैग मंटो नाउ से मुझे अफसोस भी होता है, इसलिए कि मंटो ने जिस तरह हमारा ध्यान दिलाया, जिस किस्म की बर्बरता की तरफ हमारा ध्यान चलाया, वो आज भी है. जो मंटो की कहानियां हैं, अगर आप वो पढ़ें और फिर गुजरात में जो हुआ आप वो पढ़ें, तो आपको हैरत होगी कि 70 साल के बाद वही सब लिखा जा रहा है. हिंदी के एक लिखने वाले हैं असगर वजाहत, उन्होंने एक मंटो टाइप की हाइकू किस्म की छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं, उसका नाम है शाह आलम कैंप की रूहें. आप उसको पढ़िए और बताइए कि क्या ये मंटो लिख रहे हैं या ये आज का. तो ये अफसोस की भी बात है और ये शॉकिंग ट्रैजिक जो कहना चाहे वो नहीं है. आपने हमें अपनी बायोग्राफी दिखा दी थी जिसमें इट वाज अ टेल ऑल, तो क्या मंटो का कुछ उसमें रोल था? क्योंकि उस वक्त मैं मंटो में के रोल में था, मैं सच हो जाना चाहिए. अगर लाइफ में बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाऊंगा तो ही मंटो का रोल कर सकता हूँ. फिर हो गया था एक बार. एक हमारी को राइटर थी, वो लिख रही थी बुक को, तो मेरे जितना भी मेरे दिमाग में था सारा मैं सच बोलता चला गया और वो लिख के अपना निकल गई सैन फ्रांसिस्को. वहां से उसने बुक निकाल दी और उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 5 पेजेस में थी. मेरे अपने जो रिलेशनशिप हुई थी वो 5 पेजेस में, बाकी उसके उसके अच्छा वो मीडियम पहले चली गई, बाद में हमारे पास है, हम करेक्शन करने का हमारे पास टाइम नहीं है. और उन 5 पेजेस पे इतना बड़ा हंगामा हो गया. आपको मेरी भी गलती थी, मैंने 2 नाम ले दिए थे, वो ठीक नहीं था. लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मेरे सिर्फ 5 पेजेस पर पूरा हंगामा कर दिया, बाकी जो इतनी सारी चीज़ें थी उसको किसी ने पढ़ा भी नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर लिया और माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि मेरे पास मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस होने वाले थे, तो मैं डर गया. और अगली बार जब लिखूंगा तो पूरी किताब लिखूंगा, लेकिन झूठ लिखूंगा सर. But Nandita has spent a lot of time with Safiya and Mantua's daughters in Pakistan and with Safiya's
and a lot of anecdotal information from the family. Very sweet, beautiful stories have found their way into the script, which I think was the most exciting thing for me when I read the script, and hopefully it will be for you when you watch the film. I think when we play characters, we have to be very careful that we do not look at them with any kind of judgment, whether and not inflict our own politics onto a character. I mean, वो तो आ ही जाता है. I'll be lying if I say कि you can play a character which is completely against your politics. But so you can't be judging the politics of your character, of the role that you are playing. You can't think that I want her to be this way because that's what I want women to be, or that's how I want myself to be. You can't be judging the character that you are playing. You just have to understand that person, whether you agree with their politics or not. So, as an actor, you have to leave your intellectual ideas behind and respond very instinctively and emotionally to the situation that you are placed in. I had a lot of worries and concerns, which I tried to keep away. And I believe that if a script is well written and a character is well nuanced and you play it with integrity, it will it will resonate with people, and people will understand the complexity of that person rather than slot them in any category. And yeah, we'll see some. आज के लिए सब आज सफिया हमें क्या सिखा सकती है? आज सफिया हमें ये सिखा सकती है, there is a lot of strength in silence. There is a lot of courage in silence. There is a lot of strength in being a caregiver. There is a lot of strength. I don't look at those roles as weaknesses. There is a lot of strength in being able to be vulnerable and receptive. I think that is what Safiya would teach us. आज के ज़माने में क्या मर्द चुप बैठते हैं? बिल्कुल चुप नहीं बैठते. अभी जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि आज के ज़माने में बहुत मंटो हैं जिनकी आवाज़ की वजह से वो और पूरे वर्ल्ड में है जिनकी आवाज़ की जिनकी वजह से दुनिया अभी भी रुकी हुई नहीं. तो अगर मंटो या ख़त्म हो जाए मंटो खत्म हो जाए तो भी फिर तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा. लेकिन हैं लोग ऐसे जो बोल रहे हैं. मंटो जो प्रोग्रेसिव एक्टिव मूवमेंट के पार्ट थे शुरू में, बाद में उसी को उन्होंने उनको हेल्प नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया. मंटो वाज काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट. तो इट वाज इट हिज इंडिविजुअलिटी दैट मेड हिम स्टैंड ऑल अलोन, एंड इज इट स्टिल द केस टुडे इंडिविजुअलिटी विल मेक यू ऑल अलोन. देखिए शुरू की जो मंटो की कहानियाँ थी, जैसे कि नया कानून या 1919 का एक दिन, ये बिल्कुल एक तरह की टेक्स्ट बुक प्रोग्रेसिव स्टोरीज थी. तो जो मंटो शुरू का उबर है, मिड 30s से मिड 40s तक का जो अर्ली 40s तक का जो उबर है, उसमें मंटो इज अ पोस्टर बॉय फॉर प्रोग्रेसिविज्म. यानी मंटो की हर नई कहानी को एंथोलोजाइज किया जा रहा है उन जर्नल्स में, उन अखबारों में जो प्रोग्रेसिव एडिट कर रहे हैं, और प्रोग्रेसिव बहुत खुश हैं उस किस्म की कहानियों से. फर्क आने लगता है, एक कहानी छपती है बू, जो एक घाटन लड़की के बारे में है. बू से प्रोग्रेसिव को इतराज होने लगता है कि व्हाट इज दिस अनहेल्दी ऑब्सेशन विद सेक्सुअल मैटर्स. प्रोग्रेसिव चाहते हैं कि सेहतमंद अदब लिखा जाए. सेहतमंद अदब से उनका मतलब ये है कि फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में, बल्कि डिक्टाट के तौर पे ये एक ऑर्डर भी दिया गया, किस्मत से कहा गया, मंटो से कहा गया कि देखिए ये सब तो बहुत हो गया, जिस किस्म की कहानियां आप लोग लिख रहे हैं, अब आप लिखिए फैक्ट्री वर्कर्स पे, अब आप लिखिए खेत में काम करने वाले मजदूर. तो बेदी ने कहा कि नहीं, मैं तो उस टाइप के लोगों को नहीं जानता, मैं पोस्टर क्लास को जानता हूँ, क्योंकि एक जमाने में मैं था, मैं उस पर लिख सकता हूँ और चीजों पर नहीं लिख सकता. मंटो इज अ कम्प्लीटली कॉस्मोपॉलिटन पर्सन. वो शहरी जिंदगी के बारे में जानते हैं, वो शहर में रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं, भले ही वो डिस्प्लेस लेबर हो, यानी वो माइग्रेंट लोग चौर में आके रह रहे हैं, लेकिन मंटो गांव देहात खेत के बारे में कुछ नहीं जानते. कपड़े उतार के जमींदार के हवाले कर दिए और यंग ब्रह्म पूरे बाघ में टहलना पहनना शुरू कर दिया. चिन्योट का एक मोटा यह आदत तरफ कर दी.
उसका नाम मोहम्मद एक है सो इट्स अ बिग प्रिविलेज सो इफ यू आर पार्ट ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप इट्स वेरी वेरी कूल डिड एवरीवन टेक अ पिक्चर ओके नाउ देयर्स लॉट्स ऑफ फन गोना हैपन हियर इट्स गोना बी अ वेरी इंटेंस मीनिंगफुल कन्वर्सेशन डोंट गो होम आफ्टर दैट बिकॉज़ आफ्टर दैट वी आर गोना मूव टू आवर कैफे आउटसाइड एंड वी आर गोना हैव दिस अमेजिंग मेनू सो यू कैन टेक अ लुक वी वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस मेनू इट्स मंटो इंस्पायर्ड So we have jailing chips because Manto wrote a story called Jail. We have Bombaya Samosa because he was from here. Not Mumbaya, Bombaya. Manto was from Bombay. We have Pesto Mantos. Yeah. We should do Manto ki baat. As a verdict, we have Rainbow Azadi. I'm sure Manto was alive. Yeah. So please don't join us. Whoever is here right now, please, constantly during the event, all of our social media readers. So please tag us, ask your questions also on Twitter if you want. Use the hashtag MantoNow, join the conversation. We want to learn. We are going to a special, special thank you to Lalita Das. Today, because I'm in Toronto for TIFF, our film Manto is being screened. But I know that Nawaz and Rasika will share with you enough stories that will entice you to go and watch the film on the 21st of September when it's releasing. And I don't need to tell you how relevant Manto is because I'm assuming that's the reason why we have a full house there. So please go and champion the film and spread the word. I also want to thank Godrej and Parmesh who's always been so supportive. I have had the opportunity of being at the Godrej Lab many a times and have been part of many of the initiatives. So thank you all of you, all the audiences, Godrej, Rakshanda, all those who have come here today to spread the word and to talk about why Manto now. So thanks a lot and enjoy the evening. We love what's here. I want to now specially welcome all of those who have joined us on live stream. So welcome to all of those who have joined us on live stream from all over the world. Thank you so much for being part of this. It's being streamed on Nawaz's page. So Nawaz, thank you for giving us the opportunity of streaming it on your page. Welcome. We are very, very happy to share this conversation with all of you. You can't eat our snacks and you can't hang out with us, but at least you can see this video. So thank you. Also very, very grateful to 24 Frames Digital, our streaming partner, for actually making this live stream possible. One more thing that you all can't do, those who are on the live stream, don't mind. But we haven't advanced so much to deliver books to you. It's not Amazon, you can't come through the live stream and deliver. You can't buy these books. So Trilogy, our books partners, have actually set up a wonderful bookstore. So when you go out and have your snacks afterwards, you can buy Nazia's book, you can buy Rashida's book and have them sign it for you as well. So thank you to Trilogy, our books partner as well. We're so happy that Ethel always comes up. And does this for us so beautifully. Now, for the course of the evening, I'm going to first invite Nazia up on stage. She's going to give a small talk for 10 minutes, and then we will have our panel that will talk amongst each other. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Parmesh. Thank you so much, everyone who's come here today. A big round of applause for you. मंटो की बात की मन की बात दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त हाँ वो है कि कुछ मुंह से निकलने नहीं देते आई थिंक दिस लाइन्स बाय अकबर अलाहाबादी रियली रेजोनेटेड विद मी Because isn't that how we grew up? क्यों? कितनी बार सुना था जब बड़े होते हुए? भाई ऐसा मत बोलो पड़ोसी क्या सोचेंगे? थोड़ा तो कायदे से बोलो अपने relatives क्या सोचेंगे? घरवाले हैं समाज का कुछ तरीके होते हैं बोलने के? I think growing up is a training process in conformity. How many of you agree with that? है ना? You just dream. It's like being grounded in a cultural morality. In fact, I'm going to name out the elephant in the room today.
When we talk about free speech today, people are being arrested for what they read, for the books they have. How many of you have followed that hashtag, the anti-national bookshelves that you have? Anybody here? Nobody has an anti-national bookshelf? No Karl Marx? No condition. So, when I was coming to Mumbai yesterday, I was reading a book by Neela Kandaswamy called When I Meet You, and these lines I'd like to share. So she's talking about a conversation with a stranger, a complete stranger. She says, conversations follow the same pattern. An endless back and forth relay of absolute pointlessness. No question demands an honest answer today. A question is asked as an exercise in formal behavior. Questions can be greetings. Questions are placeholders. Questions fill awkward gaps. Questions to suggest an interest that does not exist. Or questions can simply pretend to listen. How many of us have been through that? How many of us fill our conversations with people around us, pretending to be interested, pretending to have, to be seeking an honest answer, and actually we don't have the conversation that we really need to have. We as a nation are so comfortable shoving things under the carpet. Sex, homophobia, Islamophobia. I mean, on that note, yes, yesterday we had a huge victory in the court. Round of applause, everyone. It was said in the judgment that this is a victory of freedom of speech, that this article 377 was against freedom of speech and expression. Earlier this year, I wrote a book which said things that people were like, why do you need to say it? Isn't it understood? But who's talking about it? Where? Of course you need to say things that you are not comfortable listening to. अगर आपको लगता है तीन चार साल के बच्चे एक दूसरे को मुसलमान या हिंदू होने पर उनको एतराज हो रहा है कि I cannot make friends with a Muslim or cannot eat with a Muslim or cannot drink a sip of water with a Muslim, then of course नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है हमारी जिंदगी या हमारी सोसाइटी. If we are not allowed to to love freely, then of course na kaabre bardasht hai. And if you don't write about this, if you don't talk about this, then you know what happens? We go into this, we believe there's only one way of looking at the world. Conformity. There's only one truth. And I believe every story matters because it gives us a different perspective and a different truth from the one that we believe in. Can we go beyond our echo chambers and listen? Like really listen in? Or things that we need to, as writers, the responsibility would be to write things that jo aapko apne khoon girebaan mein chhapne pe majboor karte hain. अपने दिल में छापने को मजबूर कर दे, अपने घरों के अंदर छापने को मजबूर कर दे. क्या आपके घरों में आजकल क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं? Are we also, do you think it, what we hear on national television is limited there? आपको लगता है कि जो सब न्यूज में हो रहा है वो सिर्फ टीवी पे होता है? टीवी पे होता है, टीवी वाले कर रहे हैं बस, मीडिया वाले. हम नहीं है, हम नहीं है, नॉट मी. Of course it's you, it's your house, it's your home where these conversations are. Even your silence, remember, is conformity. Your silence is an agreement, gives consensus to the larger conversation out there. And when there is one way of looking at things, it actually makes the minority self-censor themselves. Let me give you an example. Uh,
read from that book, Mothering a Muslim. A form of self-censorship has crept into our lives. Well, I want my child to be extra careful with jokes and airports, as nothing is a joke if you are a Muslim, says Sana Hamid, founder of a digital payment startup in Mumbai. A Muslim is mostly overconscious at an airport, not to say words like bomb or hijack, even by mistake, or even in jest, to avoid drawing unnecessary attention to oneself. Similarly, Muslim parents try to discourage in their children any behavior that might stereotype them. We are acutely aware of prejudices through media and are always on guard. It is like practicing a version of psychological inoculation, exposing our children to biases to protect them and, if needed, prepare them for facing similar things later in life. Today's parenting includes providing children with a script on how to behave and what to do if you're recognized as a Muslim. Sana says that her 8.5-year-old son, Omar, came home from school one day in Mumbai and recounted this conversation with his long-time friend. The friend says, "Hey, you eat beef?" "Beef khata hai tum?" Guys, Omar replies, "What? Are you mad?" "Friend, my mother has instructed me not to eat anything from your tiffin." "Omar, so what are you fussing about? Simply don't eat my tiffin now." Though Omar had dealt with this lunch break conversation rather smartly, it left Sana scared. What if the other kid believed that Omar did indeed have beef? What if he panicked about it? It is scary, but painfully our reality. Obviously, I had to tell my kid that next time just say, "We don't have beef." There's no space for open-ended conversations today. Waleed Hassan, a 7-year-old in Bengaluru, was asked by his father not to wear the traditional kurta pajama when he went to play downstairs. His father is a senior software engineer, his mother is a banker, and they live in one of the multi-stories dotting the Cambridge layout area. Hassan's father said, "Thodi der pehen lo, phir utar dena. You don't know, mahol bada kharab hai." So we are not only censoring our thoughts, we are censoring the speech of our children, we are censoring the actions of the children, we are censoring the attire of our children. I gave my daughter a non-conformist name, which did not signify her Muslim identity, her first name. Because as a 4-year-old, I did not want her to hear, "And Delhi is really bad, but make no mistake, Mumbai is falling well on the heels." Where 4-year-olds say that, "I hate you because you're a Muslim." You know, people ask me, "What's the worst story out here?" I say, they're all equally bad. But for me, you know, in looking back, it's not one story, it's the change that we see. So Dr. Waris from Mumbai, who was a principal in one of the prestigious colleges here, she remembers how a child, when, like 40 years back, when he was 5, he would have a Maulana come over and teach him, you know, universal, teach him Quran, Urdu, and universal human values like Muslims jhoot nahi bolte, Muslims ladai nahi karte, jhagda nahi karte, vagaira vagaira. Universal human values, right? So this child took Muslim to be a word that means all these values. So when they had a guest over, he goes up to the guest and says, "Moti uncle, aapko pata hai, mere class mein sab Muslim hai. Sare Muslim hai. Bas wo abrar aur irfan nahi hai, kyunki wo jhagda bahut karte hain." That is how we grew up. That is the India we know. Or Bhopal said this story of Asma. So when she's stage, first up we have Dr. Rakshanda Jaleel, who is a writer, critic, and literary historian. She has published over 25 books, written over 50 academic papers and essays.
She runs an organization called Hindustani Awaz devoted to the popularization of Hindu, Urdu literature and culture. She also writes regularly for newspapers and magazines in India. And we are so glad that the Trilogy Bookstore outside has curated many, many copies of her books. So I know some of you have been looking for this. Please buy the books, get them signed by Rakshanda Jaleel, who is right here. But this will be after a panel. For now, Rakshanda, please can I invite you on stage. Welcome. Thank you. Next, it's my absolute pleasure to call Rasika Dugal. Rasika has starred in Bollywood films like Sher, Kissa and Chutney. If you haven't seen Kissa, seriously, not really. She has plays like Vikram Kapadia's Bombay Talkies. She's acted in and hosted television shows and done so much more. And in this film, she plays Manto's wife, Safia. Rasika, welcome. And last but not the least, it's my pleasure to call Nawazuddin Siddiqui up on stage. Nawazuddin, I hope you have been in touch with our very team anyway. We have been so many films. That's why we're DC Live behind the Also, these beautiful small ones which I love. And of course, now everyone is talking about Ganesh Gaitonde from Sacred. क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरे पास स्पेस होता है, मेहनत करने का वक्त होता है किसी भी कैरेक्टर के ऊपर,
और मेहनत नहीं, मेहनत तो सब लोग करते हैं, मतलब कहते हैं ना हमारे यहाँ गधा भी करता है मेहनत, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस करके बहुत सीख के बाकायदा ट्रेन हो गया अपने फील्ड में, उसके बाद जब किसी कैरेक्टर पर मेहनत करता हूँ तो डेफिनेट बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है मुझे। तो वो जब मुझे मालूम है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, यू नो इंडस्ट्री में किस तरह के एक्टर्स हैं जिनको जो सिर्फ फेम चाहते हैं किसी भी हालत में, उनको कैसे भी चाहिए फेम, भले उसके लिए वो प्रिपेयर उन्होंने अपने आप को किया है या नहीं किया है। तो ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जब हम लोग ट्रेन होके आते हैं, बाकायदा प्रैक्टिस करके आते हैं, तो एरोगेंसी क्यों ना हो, मुझे इस दुनिया में जितने भी एक्टर्स सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, इस चीज को बहुत कॉन्फिडेंस और एरोगेंट भी उस चीज को लेकर। मंटो कहा जाता है कि आज भी हमारे साथ हैं, अगर वो सचमुच में होते इंडियन, आप क्या लगता है कौन से नया खिताब मिलता आपको? लाइक आई गिव यू सम ऑप्शंस, अर्बन एक्सेंट, मुझे लगता है सारी खिताब मिलते हैं, और ये भी कम पड़ जाता है मंटो के लिए आज के जमाने में। क्या वो कोई नया खिताब लाते हैं अपने लिए? क्या बोलते हैं हैशटैग मंटोयत और भी क्या होता, लेकिन लोग इनको ये टैग जरूर देते हैं आज के जमाने में। बिकॉज़ आई थिंक इवन एट दैट टाइम ही वाज सेइंग थिंग्स व्हिच हैड अ लॉट ऑफ ही गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर इट इन सोसाइटी, एंड इट वाजंट इजी फॉर हिम और हिज फैमिली और फॉर सफिया एंड देयर डॉटर्स टू सर्वाइव थ्रू द सिक्स केसेस दैट ही हैड टू फाइट फॉर व्हेन हिज स्टोरीज वर ट्राइड फॉर ऑब्सिनिटी। एंड I think if and that's what I keep saying, that unfortunately Manto is more relevant today than ever, and I say that unfortunately because I wish we could take our freedom of speech and expression for granted, but we can't, and therefore we need to talk about people who stood for that and fought for that. And while I am happy that Manto is being revived, so to say, because I have been a very avid reader of Manto's works, but at the same time I feel that the idea that that he's more relevant today than ever because of the threat that we are facing against freedom of speech and expression, that is really hurtful to me personally. So if Manto was writing today, I'm sure he would have written against all the threats to freedom of speech and expression, and he would have got a lot of backlash, and he would have been tagged with all this and more. I thought most of all that would have happened. It's a scary thought.